ब्रेकफास्ट था और अभी बज रहे हैं 6:15। भाई नींद आई तो अब सुबह आई मस्त वाली हलवाई, और अभी बैठे हमारा स्टॉप 8 बजे का, हम उतरेंगे 8 बजे। और शीतल पापा सो रहे हैं उधर, देख के आते हैं सो रहे हैं या उठ रहे हैं यानी। और मैंने कहा मैंने इधर कर लिया था शिफ्ट क्योंकि इनकी थी ऊपर वाली पार्ट, ये वाली पार्ट थी तो उतरने चढ़ने में दिक्कत होती है, तो मैं ऊपर आके सो गई थी। फिर टीटी आए तो कहने लगे कि आप नीचे सो सकते हो, नीचे खाली अभी कोई भी नहीं आया, तो मैं उठी वॉशरूम के लिए, फिर मैं नीचे आके सो गई थी। मैंने नहीं बोला था कुछ भी, वो अभी ले गए थे क्या मैडम ने लिखा हुआ है, मैं का कुछ दिल करता था। और आज आ गया मैं नाश्ता, इसमें क्या है तो बड़ा होगा क्या, बड़ा पाव है, बड़ा पाव होगा, कचौड़ी वगैरह होगी, बड़ा मैंने कहा एक ही चीज खाऊंगी ना मैं। नींद आ गई, कितने बजे सोया, कितने बजे सोया है रात को? हाँ तो मैं उसके बाद ही पानी बोतल संभाल ली। हाँ पानी बोतल रख ली। भाई हमारे आने वाला स्टॉप 10 मिनट बाद, देखते हैं कैसे क्या करते हैं कहाँ जाते हैं। हमारा आ गया स्टेशन और हम हो गए हैं। गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने स्टेशन और हम बोले अपनी ट्रेन को बाय बाय। ये हमारी ट्रेन, और हमने कह दिया है अपनी ट्रेन को बाय बाय, और हम पहुंच चुके हैं नासिक स्टॉप पर, और अब चलते हैं आज। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था राजधानी का वाकई में, फर्स्ट टाइम बैठे थे हम सेकंड एसी में, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था वैसे। चलते हैं बाहर निकलते हैं। भाई हमसे जा रहे ना, ये पानी की बॉटलों का हो रहा है क्योंकि पानी की बॉटल लेके आए भाभी मिली में तीन। ये कैंटीन है क्या बनता है? अच्छा हाँ यहाँ कैंटीन है, और जल्दी है बस 2-3 मिनट रुकी है वाली ट्रेन, कहीं रुकी 5 स्टॉप थे बस इसके। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। ज्यादा होता है क्या? तो गाइस अभी हम रूम वगैरह ढूंढ रहे हैं नासिक में। भाई रूम बहुत कम है यहाँ पर, मतलब दूर दूर है शहर भैया, लेकिन शहर से फिर जहाँ में घूमना है वो दूर स्पेस पड़ता है थोड़ा सा। भाई बहुत कम है यहाँ पर, मतलब रुकने की व्यवस्था बहुत ज़्यादा कम है। हम लगा लो आधा एक घंटे से चल ही रहे हैं, आधा घंटे से ढूंढ रहे हैं, होटल नहीं मिल रहा कोई भी। जब हम आए हैं होटल ट्राइटन, देखते हैं हमने रूम तो बुक करा दिया ऑनलाइन यहाँ पर, बट अभी हमें रुकने दें क्योंकि अभी 10:30 बजे का टाइम है। तो गाइस जब हमने रूम लिया तो वेटिंग चल रही है, वेटिंग क्या चेक आउट होगा किसी का तो रूम मिलेगा, और आ गया अभी वेटिंग रूम में अगर छोटे नाश्ता में भूख लग रही है। हम जल्दी पहुँच गए ना, अभी तो 11 बजे, देखो कब तक मिलता है रूम। आई जल्दी मिल गया, बहुत चले दर्शन करने। और हमने ये ऑर्डर किया है डोसा, बट सांभर ना मीठी मीठी लग रही है ना अर्षित, सही है चटनी भी सही है। तो फाइनली आ गई हमारी चाय और टोस्ट, खा के देख कैसे। इस रेस्टोरेंट में शुगर फ्री चाय ही मिलती है, आप ऐड कर सकते हो शुगर, सही है वैसे बात सही है ये, ठीक है ना, कम ज़्यादा अपना आप शुगर ऐड कर सकते हो। इसने देखो तो मैंने पूरी भर दी इसने तो अपने में 2 मिनट डालिए मेरे को है नहीं। अच्छा दिल मेरे बस पीले मैं ही बनूंगा यार, एमबीए चाय वाला बस घुमा जा रहा है इनकी को। ड्रॉपिंग ड्रॉपिंग है गरम है चाय तो डिस्काउंट क्या होगा मैडम? नहीं
मिल चुका है हमें रूम गाइस फाइनली। भाई थक गए हम तो बुरी तरह से। हमें 40 ग्रीन टीवी है। ये क्या है? साबुन वाबुन जो भी होता है। हाँ, शेविंग किट वगैरह है ये। भाई रूम तो अच्छा लग रहा है ना। शिट, गेट बंद करो। यहाँ पर है मिरर, पूरा ड्रेसिंग, और यहाँ पर आउटसाइड है हमारा वॉशरूम। कॉम्बे मिल गया आपका। अशित गेट तो बंद करो बेटा। ये रहा अलमीरा बैग रखने के लिए। ब्रश भी है तो ब्रश भी मिले हमें यहाँ पर। तो गाइज हम हो गए रेडी नहा धो के, और हमने कर लिया एक ऑटो। जो ऑटो वाले भैया आए थे छोड़ने, तो हमें सही लगे तो हमने कहा हमें ज्योतिर्लिंग के दर्शन करा दो, तो भैया को ही कर लिया है। और वो जो भी आस पास जगह है बस वही घुमा लेंगे। तो अभी पहले हम चलेंगे ज्योतिर्लिंग दर्शन करने त्र्यंबकेश्वर, और बस रेडी हो गए हैं। हर्षित भी नहा लिया है ना भाई, ये तो मोबाइल में ही लगा पड़ा है। और मैं, हम तीनों ही नहा लिया है, और बस ये रूम हमने आज तक के लिए लिया है। कल देखते हैं, वैसे प्लान बना लिया है, और कल देखते हैं सुबह सुबह कहाँ निकलेंगे। तो अभी भैया फ़िलहाल ये कह रहे हैं कि मुझे ना आधा घंटा लग जाएगा, तो चलो हम ये है कि हम टाइम से तैयार हो गए और टाइम से हम निकल जाएंगे। ये तो गाइज हम भैया रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। ऑटो वाले भैया भी आ गए हमारे, तो चलते हैं गाइज। हमारे ऑटो वाले भैया आ गए हैं, अच्छे चलते हैं रेडी होके। भाई बाहर है मस्त वाली धूप, लेकिन बाहर तो निकलना ही पड़ेगा जब जाना है हमें घूमने, तो बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। क्या गए हमारे ऑटो वाले भैया, लास्ट में काला रहा ये अपना त्र्यंबकेश्वर मंदिर है। और कौन क्या इधर पंचोड़ी भाई, भयंकर धूप है, भयंकर वाली धूप है। और कितने बज रहे हैं अभी, 2:15 धूप तो देखो हर जगह, दिल्ली में भी थी धूप तो, है ना, बाहर निकलो तो ऐसे लगता है। तो ये कहीं जाओ ना तीर्थ यात्रा पे तो थोड़े से कष्ट तो सहने पड़ते हैं। और नासिक से 30-35 किलोमीटर दूर है जो दिल्ली। चलो भोले बाबा के दरबार चलते हैं, और भाई थोड़ा बहुत तो कष्ट होता ही है। और मैं बैठी धूप की साइड में, भाई धूप लग रही है बहुत तेज वाली। और भैया रुके अभी पेट्रोल डलवाने। पूछ रहे हैं कि बड़ा पाव कहाँ मिलेगा। अच्छा कितने पहुँच जाएंगे अपन? अभी आधे घंटे में पहुँचेंगे। बड़ा पाव खिला देना भैया, अच्छा सा जाओ। भाई यहाँ के पहाड़ देखो कैसे अजीब अजीब से पहाड़ है छोटे वाले। यहाँ पर अच्छा हनुमान जी का जन्म स्थान है। अच्छा गाइस हम पहुंच गए हैं यही बाबा ने जन्म लिया था। भाई बाबा ने सबसे पहले अपने यहाँ बुलाया यार, सोचो कुछ होता कुछ है ये। तो हमने ले लिया बाबा का प्रसाद, और बेटा देख दो फूल। जय बाबा की। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत बढ़िया हनुमान जी है ना, बढ़िया में छोटे जाने ना पर हाँ बहुत बढ़िया। जय बाबा की। देखा ये है पर्वत, यहाँ अंजनी माता ने जन्म दिया था, और यहीं पर
पहाड़ी पर ऊपर है, तिरुकुट पर्वत पर, और यहाँ से मतलब बहुत चढ़ाई है, ऊंचाई है, फिर यहाँ आ गए थे बाबा चा माता ने। अच्छा ये पर्वत है। हमने एंट्री कर ली है, वो साइड से लोकल वाला एंट्री है। अच्छा आगे भी एक ही है, पे पास वाला है। ये जो छतरी लगी हुई है आप यहाँ से एंट्री है। लाइन में लगेंगे हम, जल लेके आए हैं गंगा जल और रुद्राक्ष लेते हैं यहाँ से। भोलेनाथ ने अपना वीआईपी लाइन में लगा दिया, हम गए थे लोकल में लाइन में लगे, उन्होंने अपना वीआईपी में मोड़ दिया हमें चला जैसी उनकी इच्छा। फाइनली भोले बाबा ने बुला लिया। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू, हर हर महादेव। और यहाँ लिखा है कि शीशे में हमें दर्शन होंगे भोलेनाथ जी के, क्योंकि गर्भगृह गहरा है भक्तों को शिव जी के। यहाँ बहुत सारी लाइन है, अभी तो फिलहाल ही वाली खाली पड़ी है लाइनें, देखिए बस टर्न 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 टर्न, मुड़ते रहो मुड़ते रहो। और यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि वेटिंग के लिए ना आपको सिटिंग दे रखी है। हम बहुत अच्छे दर्शन हुए, प्रसाद ही मिला नारी का, बेल पता का भी मिला है प्रसाद, मजा ही आगा। मैं तो इतना रोने लगी ना, पता नहीं यार कैसे कृपा हुई, कब कृपा हुई यार, पता नहीं चला। भोले बाबा मजा आ गया। और हमारे थे त्रंकेश्वर ज्योतिर्लिंग भाई, आ जाओ आ जाओ। तो गाइस देखिए कितना प्राचीन मंदिर है ये भाई, से एग्जिट था अंदर, वीडियो बनाने नहीं देते हैं मंदिर में, और बनाने भी नहीं चाहिए, जहाँ मना हो तो वहाँ बनाने भी नहीं चाहिए भाई। इतने पत्थर गरम है जैसे क्या अंगूठी पे पैर रख रहे हैं बहुत ओहो भाई साहब जान निकल गई भाई, चल गए यार। सही बताया था किसी ने कि सॉक्स पहन के जाना भाई, पैरों में उनके तो कह रहे घर पहुँचे छाले पड़ गए। ओ भाई साहब पैर जल गए जल गए जल गए जल गए, पैर कत्ती वाले जल गए। भाई चलते हैं, हम चप्पल जूते लेंगे, कुछ खाएंगे, और भाई प्यास लग रही है बहुत तगड़ी वाली, और पानी पी भाई। आज हम बड़ा पाव खाने गए थे, मस्त है ना, मैं तो बड़ा पाव जरूर खाने जाऊँगा, मैंने कभी टेस्ट नहीं किया बड़ा पाव, कोई आवाज़ खाते हैं टेस्ट करते हैं फिर बताऊँगी कैसा है आपका। खाने लिए हमारा बड़ा पाव आ गया भाई, अब टेस्ट करेंगे, मस्त हर्षित बड़ा पाव। मौसम बहुत खराब है,
पंचवटी नसीता माता की रसोई थी जहाँ लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची थी, वो सब जगह भी देखने के लिए। नासिक का ढोल वैसे मशहूर है, देखिए क्योंकि दो तीन गुफा थी अंदर ना, दो तीन गुफा थी, मतलब ऐसे बैठ बैठ के घसीटना पड़ा था, तो इनको जहाँ छोटी जगह थी ना इनका घबराहट छू जाता, मैं कहाँ पर रहने दो, अंदर गर्मी भी हो रही थी काफ़ी। ये यहाँ पर गोरे राम मंदिर पानकुटी, यहाँ पर गोरे राम जी हैं और एक है काले राम जी मंदिर। भाई इतनी अच्छी वाइब से जहाँ जा रहे हैं, मन इतना खुश हो रहा है, बहुत अच्छी वाइब से यहाँ पे, अरे मन कर यही घूमती रहो यही घूमती रहो। भाई बहुत अच्छी है, ऑसम है, इतना ना एक्सप्रेशन नहीं थी भाई, मजा आ गया, सब दिल खुश हो गया इस तो। यहाँ है काले राम मंदिर, जय श्री राम। काटी थी सुपन खा के नाक लक्ष्मी जी ने,
यह वही स्थान है, अभी तो फिलहाल सीनरी के तौर पे बना दिया गया है, लेकिन स्थान यही है। सोने का हिरन, जय लक्ष्मण जी। यह लक्ष्मण जी का मंदिर शेषनाग अवतार। यहाँ है हनुमान जी बाबा, यहाँ पर खींची थी लक्ष्मण रेखा, वो पेड़ के नीचे सीता माता भिक्षा देने गए रावण को, रावण अच्छा। लेके गए लंका, इसको सीता देवी अपहरण बोलते। अभी मंदिर का कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, इसे धर्मशाला आके मंदिर नया बन रहा है। अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा है ना भाई, मजा आ रहा है इस जंगल के। हाथी की सूंड से लग रहा है, ये तपोवन है। हाँ पूरा जंगल तपोवन है, तपस्या वन है। अच्छा अच्छा, नासिक बहुत पवित्र जगह है। जय गणपति बप्पा। भाई मस्त हवा चली, ठंड ठंडी। हाँ एक रजाई मिल जाए, रजाई नहीं एक चटाई मिल जाए और यहीं सो जाए। वाह वाह, रात को मम्मी यहीं सो रही है। चलो भाई, एक डॉगी हमारे पीछे पीछे लग रहा है, हम भीड़ में से चुप के आ गए, फिर भी उसने हमें ढूंढ लिया। ये रहा हैं, इधर फेंक दी। तो गाइस ये कुंड ये है जहाँ पर सीता मैया अग्नि में समर्पित हुई थी लंका से आने के बाद। ये वही कुंड है, अभी तो पानी भरा हुआ है, लेकिन यही इसी जगह पर हुई थी, जो आप देख सकते हैं कुंड, इसी जगह हुई थी सीता माता। होटल पे ट्रायटन और चलते हैं अभी, सब फ्रेश वगैरह होंगे। और पास में ना काफ़ी फ्रेश है, तो इसमें रेस्टोरेंट है अच्छा है, लेकिन यहाँ भी ना काफ़ी सारे, तो यहाँ की जो भी अच्छी अच्छी वैरायटी होगी फिर वो खाएंगे हम, देख के जाएंगे ट्राई करने में क्या जाएगा। एक बार फ्रेश वगैरह होने फिर आएंगे नीचे घूम के, है ना शीत, घूम के जाएंगे एक बार। ओ भाई साहब रिलैक्स मिल जाएगा एक बार तो, वे जल्दी सो जाएंगे क्योंकि सुबह फिर निकलना है हमें, है ना। खोलो होटल, होटल घूमते हुए 3 किलोमीटर ले गए भाई साहब मुझे, हमें बीच में था वो नॉन वेज भी था चाइनीज, मैं कहा मैं नहीं खा रही, तुझे खाना है तू खा ले। ओ भाई साहब ये रहा करके 3 किलोमीटर ले गए और आते हुए ऑटो करके आना पड़ा, उसका भी कर जाता। अब क्या हुआ, मैं भी तो करी यहाँ कौन सा तुझे रेस्टोरेंट दिख रहा है, शांत रहे। अब चलते हैं लौट के, वो तो घर को ही आए अपने जो होटल में रेस्टोरेंट है ऊपर वहीं खाएंगे हम। हाँ वेज है यहाँ पर, प्योर वेज है तो खाते हैं वेज। तो किसको किसके इंतजार कर रहा था वहाँ खड़ा होके, क्यों आएंगे हम सेकंड, तूने रोक रखी थी सेकंड पे। खाना पड़ा तो